आज हमारे इधर कढ़ी बन रही है क्योंकि मुझे कढ़ी खाना पसंद है। मम्मी क्या बना रही हो? क्यों मातेराम, क्या बना रहे हो? बेसन। ये बताओ तुम्हारे घर में सबसे अच्छा बेसन कौन बनाता है? तो तुम्हारे जी बताओ, पूरे रिश्तेदारी में रचना की कड़ी फेमस क्यों है? बनाते तो रचना, यार हमें भी सिखा दो यार कड़ी बनावो। का हम में कछु के लक्षण नहीं है तो का करवे के लक्षण है? ए बिलाल बार रहा सब दिन को पाल को दुनिया को आज न मान कोई मैं कछु तो लक्षण होता ही हम में काय में के लक्षण है मोबाइल देखवे के। ओ बस मोबाइल देख रहा हूं कदूती, ओ मोबाइल लगाओ, वो जो गाना गाओ। और पापा जी क्या कर रहे हो? क्यों पीहू, क्या कर रही हो? टीचर वाला गेम खेल रहा है। देखो हमारे घर पे ही जो जगह खाली डली है उसमें लगा दिया है पापा जी ने पालक, धनिया, मिर्ची। तो अभी ये उगी नहीं है, उगने वाली है कुछ दिनों बाद। तो ये देखो, ये पपाया भी लगे हैं हमारे घर पे। हमारे घर पे सभी पेड़ पौधे हैं। भाभी जी है जो ब्लॉग बनाती हैं, आप इनका ब्लॉग देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इनके। क्या कर रही हूँ भाभी जी? देखो तो रचना भाभी बना रही हैं चावल। देखो रचना सिंह की किचन देख लो आप, कितने रूम को ही इनने किचन बना लिया है। अरे यार भाभी, आपने रूम को ही किचन बना दिया, क्यों? हमें छोटी किचन पसंद नहीं आती। ओ एम जी, इतनी बड़ी किचन, कितनी सफाई करना पड़ती होगी। भाभी जी खोल रही हैं कुछ बर्तन के लिए बगस। भाभी को पड़ गए हैं बर्तन कम किचन में। भाभी क्या उठा रही हूँ? देखो भाभी रखे हैं अपनी ही किचन में एक बक्सा जिसमें रखे हैं पूरे बर्तन स्टील के। अरे यार भाभी, आप तो बहुत सुंदर सुंदर बर्तन रखे हैं यार। तो रचना भाभी जी का रखा हुआ है बगस में दहेज। देखो इनके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बेलना। और जे कहाँ से लिया था जे? जे वाला जो अभी वही से लेके जो मोटा। अच्छा, सारे बेलों का क्या करोगी भाभी? अपने बच्चों की शादी के लिए किसी से लेना नहीं पड़ेगा, है ना? अपने बच्चे की शादी करें तो हमें तो दे देना यार। देखो जे है कान्हा जी का झूला। कान्हा जी का झूला बहुत सुंदर झूला है कान्हा जी का, सच में। तो हमें थोड़ा बड़ा लेना ना, लेकिन लेंगे हम ऐसा ही। ये देखो हमारी दीदी जी की चल रही है सिलाई। कितने ब्लाउज सिल रहे का है? एक सिल लो। सिल तो बहुत अच्छे ब्लाउज लेती हैं, लेकिन स्पीड थोड़ी स्लो है। स्पीड थोड़ी स्लो है। क्या बताओ यार, क्या 6 महीना में सिल ला एक ब्लाउज? नहीं। टाइम नहीं मिल पाता, ड्यूटी करती हैं, फिर घर के काम, बच्चे को पढ़ाना। देख लो हमारा ब्लाउज देख लो, अभी इनकम्प्लीट है, अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, अभी पल्लू नहीं जुड़ेगा है? अभी पल्ला जुड़ना है उनके। अभी फ्रंट पार्ट देख सकते हो आप। अच्छा, अभी बैक पार्ट और दिखाएंगे। एक आध सिल लो तो बता दो। अभी बैक पार्ट दिखा रहे हैं ना, आधे आधे हैं, देखो। आधे आधे हैं अब, क्या जुड़ने हैं अब। हम अपनी एक तो आज तो सिल ले हो। लो चलो हम एक फुल दिखा देते हैं जो हमने बहुत सुंदर ब्लाउज बनाया है। अच्छा देखो जी, बनाया है आपने। अभी इसमें स्लिप लगाना बाकी है। है इसमें अभी स्लिप लगाएंगे हम। अच्छा देखो, ये अच्छा लग रहा ब्लाउज। कहाँ से लिया था तुमने अपने कपड़ा? टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से लिया था।
अच्छा आप तो फालतू ही 500-600 रुपए फेंकती यार, हमसे सिलवा लिया करो। लेकिन आप सिलती कहाँ टाइम पे? हमारे घर पे आप रोटी सब्जी बनाना, काम करना। हम ब्लाउज से लेके गए। ठीक है, आए कब आऊं? ब्लाउज पड़ेगा थोड़ा महंगा। महंगा पड़ेगा? हाँ, क्योंकि आपको करना पड़ेगा काम मेरे घर पे। तब सिलेगा काहे? तब ब्लाउज सिलेगा मेरा। अगर यदि आपको मेरा ब्लाउज पहनना है तो मेरे घर का काम करना पड़ेगा। आपने कब सीखा था ब्लाउज सिलना? मैंने ब्लाउज सिलना सीखा था जॉब के पहले। अच्छा, मुझे पहले इंटरेस्ट था सिलाई में। सिलाई में फिर नौकरी लग गई तो मैंने कोई ज्यादा सीखा मीका नहीं है, थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी अच्छी ब्लाउज तो सिल लेती है, देख तो कोई एक्सपर्ट भी नहीं सिल पाए। टाइम मिले तो आप तो अच्छी अच्छी ब्लाउज बना सकती हो और ड्रेस वगैरह भी। पर मुझे बहुत आलस आता है, इसलिए मैं कम ही ब्लाउज बनाती हूं। मैं बहुत आलसी रहा हूं भाई ब्लाउज बनाने, नहीं तो मैं तो एक से एक ड्रेस बना लूं। अच्छा, आलस आ जाता बीच में का है? बहुत ज्यादा। चलो नाश्ता कर लो, चावल सूख गए। बढ़िया, पर यार इसको कंप्लीट ही कर दे, नहीं तो मम्मी जी गुस्सा होंगी, कहेंगी 4 दिन से तुम्हारा ब्लाउज बन रहा है। इसलिए मुझे आज जब मैं उठूंगी, जब नाश्ता पानी चाय करूंगी, जब मैं अपना ब्लाउज कंप्लीट कर लूंगी। अच्छा, तभी उठोगी कुर्सी पर। ठीक है भाई, सिलो जल्दी, फिर हम बताएंगे आपको कि कैसा ब्लाउज सिला है हमारी मैडम जी ने। बहुत टैलेंटेड है। आप मेरा कंप्लीट करके ब्लाउज एक से एक सिलती हैं, लेकिन बस टाइम की कमी रहती है इनके पास, टाइम नहीं मिल पाता। क्या है, इसका कपड़ा थोड़ा अच्छा नहीं है, नहीं तो अभी कोई कॉटन वगैरह होता ना। तो अभी तक तो मैं 2 ब्लाउज सिल देती यार, इतना भी नहीं है कि दो अस्तर लगाना पड़ रहा है। डांस करो ए बहन, इतनी आई नेक करो करो करो। तुम तो जाके दो के जो मैं का कर रही हूँ। आलू भी लगा रहे हैं। 10 किलो आलू लगा। अपन ने कितने लगाए? अपन ने 4 किलो। बोलो ये चीज के फूल क्यों नहीं आ रही है? कहां आ रही है? कैसे और बोला ही नहीं है ढक्कन ढकने के लिए। डाल दिया घी, देसी नुस्खा। काय में लग गो पीहू तड़का? कड़ी में तड़का लग चुका है, देखो भाई। हाय हाय, क्या कड़ी फलक रही है, खुशबू आ गई अच्छी। कैसी लगी कड़ी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी अच्छी मजा। तुम्हें कैसी लगी टीका मड़वाई? नमक वमक सब सही है? क्या भूमि कैसी लगी कड़ी? बोल ले, अली बोलने पड़े, जल्दी बोल कैसी लगी। बोलो हेलो दोस्तों, पीयू बोला तो बताओ कचू के। देखो हेलो दोस्तों, हम ये खा रहे हैं। इतनी कॉपी करत देखो आगा, बस फ्री को है। आओ तो पैसे नहीं ले जा रहा को। जी जी आए हैं। आओ मैं ले जा रहा हूं, अच्छी मिलके मोड़ी में खा ली। 200 दे दे। पापा कितने कह रहे थे?
मैं ले आऊंगी नहीं कम अभी देखे हो जे अब वो किसी को ले रहा दूध दूध डालो तो कम दूध डालो दूध डालो कितने बना वो तो नहीं अब वो चेहरे पे